इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आप सब दोस्त सुनकर इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। स्पेशली मेरे वो दोस्त जिनके अबू ज़ैबी के वीज़े थे और वो इशू हुए थे मार्च में और वो एंट्री नहीं कर पाए थे कोरोना की वजह से, या जिन दोस्तों को वीज़े चाहिए अबू ज़ैबी के, या जो इन आउट होना चाहते हैं अबू ज़ैबी के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि ये एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मैं ये आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ, क्योंकि इस न्यूज़ को एंड पे मैं आपको पूरी न्यूज़ की तफसीर भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बता कि दो हफ़्तों के बाद तमाम मायशी सियासी और तफरीकी सरगर्मियाँ बहार कर दी जाएंगी, यानी कि इसका मतलब यही है जो न्यूज़ का आप ही पढ़ सकते हैं। पूरी न्यूज़ की तफसीर मैं एंड पे आपके साथ शेयर करूंगा और बताता हूं ये न्यूज़ आई है गल्फ न्यूज़ के अंदर, जिसका मकसद यही है कि जब ये सियासी मियासी और ये तफरीकी मुकाम उस वक्त तक ओपन नहीं हो सकते हैं जब तक उनके वीज़े वगैरह अपडेट ना हों या वीज़े ओपन ना हों, तब तक ये ओपन होंगे तभी लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ सकेंगे। इसलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने बोला कि हम सब कुछ ओपन कर दें, कि इंशाल्लाह ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह कोई भी अपडेट आएगी मैं लाजम दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अभी आपको मैं देता हूं न्यूज़ की पूरी तफसीर के आया न्यूज़ पूरी है क्या। मुत्तहिदा अरब अमीरात की तमाम रियासतों में कोरोना वबा के बाहर बहुत सी सरगर्मियां मुअत्तल या महदूद कर दी गई थीं, जिसकी वजह से लाखों अफराद का रोज़गार मुतासर हुआ था। तमाम अबू ज़ैबी हुकूमत की जानब से शानदार खबर दे दी गई है जिसके मुताबिक अगले 2 हफ्तों में तमाम मायशी सियासी सकाफती और तफरीकी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बाहर कर दी जाएंगी। जिस तरह के कोरोना वबा से पहले भरपूर अंदाज से जारी थी अबू ज़ैबी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिसीजन कमेटी की जानब से अगले 2 हफ्तों में तमाम सरगर्मियाँ बहार करने के मनसूबे पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। अबू ज़ैबी गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस की जानब से बताया गया कि रियासत में कोरोना से तहफ़ की खातर बेहतरीन एहतियाती इकदाम उठाए गए, जिनका नतीजा कामयाबी की सूरत में ज़ाहिर हुआ और रियासत भर में कोरोना केसेज की दर बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ बहार करने का फैसला किया गया। फैसले से अबू ज़ैबी की रौनकें पूरी तरह लौट आएंगी। पैगाम में मज़ीद कहा कि तमाम मासी सियासी सकाफती और तफरीकी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहार हो जाएंगी, तमाम इन दौरान लोगों को जिंदगियाँ और सेहत के कोरोना से महफूज बनाने के लिए गाइडलाइन और एहतियाती इकदाम पर पूरी तरह अमल करवाया जाएगा। अबू ज़ैबी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिसीजन कमेटी की जानब से भी इस अज़म को दोहराया गया कि इसकी जानब से कोरोना के मरीजों की इब्तदाई मरहले पर तशीस और टेस्टिंग प्रोग्राम पहले की तरह भरपूर अंदाज से जारी रहेगा ताकि समाज को खतरा से बचाया जा सके। मेरे वो दोस्त जो इस तरह की अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनना चाहते हैं या फ्यूचर में अपडेट चाहते हैं वीज़ों के मतलब, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको डेली बेस पर यूई की हर अपडेट मिल सके, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया सब दोस्तों।